हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। हम 8.6 के एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, तो हमने पिछली वीडियो में अपनी में 36 और 37th जो एग्जांपल थे वो सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 38। तो देखो, 38 जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एन ओपन टैंक ऑफ फिक्स वॉल्यूम हैज स्क्वायर बेस। क्या है? स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर बेस है तो सिंपल सी बात है ऐसा होगा, और वो जो टैंक होगा वो कुछ ऐसा होगा। बेस स्क्वायर है, वो जो टैंक है वो स्क्वायर शेप में नहीं है, केवल बेस जो है ना वो है स्क्वायर। तो ये तो थोड़ा सा कैसा बन गया, क्यूब टाइप में बन गया है ना। चाहो तो इसे आप लोग थोड़ा रेक्टेंगल टाइप में भी बना सकते हो, कि जो अपने को तो केवल बेस, ये जो बेस है इससे मतलब है कि ये बेस कैसा है, स्क्वायर है, और जो वो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ लो, ये मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया है ना। इसको अगर अपन ऐसे करेंगे तो ये जो बेस, इसमें बेस नहीं बना अच्छे से। देखो, बेस हमें कैसा बनाना है, ये बेस है तो हमें इसके ऊपर टैंक बनाना है। तो कैसे बना दो, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये रहा, ये नीचे वाला बेस है, ये इसके ऊपर एक कोई भी टैंक है। तो देखो, नीचे का जो पार्ट है कोई सा मान लो उसको, चाहे ये इसको मान लो नीचे वाला पार्ट, ये जो है ये स्क्वायर शेप है। कैसा मान लो, ये मान क्या लो, ये गिवन है हमें स्क्वायर शेप है। तो देखो, स्क्वायर की चारों के चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी देखो, अगर ये एल है तो ये भी एल है और ये भी एल है, ठीक है। लेकिन ये जो इसकी हाइट है ये इक्वल नहीं है, ये हाइट तो कुछ भी हो सकती है, ये वाली हाइट जो है, ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं किससे, हाइट से। तो इसने इस क्वेश्चन में कहा क्या है कि इफ इनर सरफेस इज मिनिमम देन फाइंड द रेशियो ऑफ द डेप्थ टू लेंथ ऑफ द टैंक। एक तो हमें मिनिमम इसका वॉल्यूम प्रूफ करना है, और इसकी लेंथ में और इसकी डेप्थ, यानी कि जो इसकी हाइट है जिसको डेप्थ भी बोल सकते हैं या फिर डेप्थ को हाइट बोल सकते हैं, एक ही बात है वो, तो उसमें हमें रेशियो फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, एग्जाम्पल नंबर 38। तो देखो, जो वॉल्यूम है, ये जो शेप है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ये जो वाला पार्ट है L और B वाला, इसमें L और B दोनों क्या है, इक्वल हैं। जैसे मान लो ये L है और ये B है और ये क्या है, H। तो L इक्वल टू में क्या है, B है, क्योंकि नीचे का पार्ट स्क्वायर है तो उसके लेंथ और ब्रेथ सब कुछ सेम है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, L ही लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू में H, L स्क्वायर इंटू में H, L स्क्वायर इंटू H। अब देखो, यहां से अगर मैं H की वैल्यू फाइंड करूं तो H की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन में L स्क्वायर। इसको हमें यूज करना है, मैंने इसलिए इसकी वैल्यू फाइंड की है। देखो, ये तो बात हो गई किसकी, वॉल्यूम की। अब बात करते हैं हम इसकी एरिया की, किसकी बात करते हैं, एरिया, सरफेस एरिया। तो देखो, एरिया जो है वो कैसे निकलेगा, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो तो है नहीं, है क्या, नहीं है, तो वो तो गायब है। हमें केवल इसकी जो एक ऐसी शेप में सिक्स साइड होती हैं, ठीक है, तो हमने एक तो हटा दी क्योंकि ओपन है वो टैंक ऊपर से, और नीचे वाले का एरिया, ये नीचे वाला स्क्वायर पार्ट है, ठीक है, तो इसका एरिया तो हो गया एल स्क्वायर। कितना हो गया, एल स्क्वायर, प्लस
अब जो चार साइड बची हैं वो कौन कौन सी हैं? एक इधर वाली वन, एक इधर वाली नीचे वाली, और एक इधर और एक इधर। ये टॉप तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो वो दोनों चारों के चारों साइड हैं वो किस में है, यानी कि या तो क्या क्या है देखो, एक तो है L into H या B into H, और दूसरी भी कौन सी है L into H। उन तीनों का एरिया ऐसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रिथ। भाई देखो इसका तो हमने निकाल लिया, अगर हम इसका निकालें इस वाले पार्ट का, तो ये है ब्रिथ और ये है हाइट, तो ब्रिथ इंटू हाइट, इसकी भी ब्रिथ इंटू हाइट और उसकी लेंथ और हाइट से। लेकिन L और B का मान क्या है, सेम है, तो हम उन सबको किससे लिख लेते हैं, L से ही लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं, L से। तो क्या हो जाएगा, प्लस 4LH। आ गई ना समझ में। तो हमें फाइव साइड्स का एरिया निकालता है, तो एक तो स्क्वायर शेप है, स्क्वायर का हो गया साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। और जो बची कुछ ही फोर साइड है उनका L इंटू H से निकलेगा, लेकिन फोर साइड है इसलिए फोर से हमने उसका मल्टीप्लाई कर लिया है। तो देखो यहीं से हमने H की वैल्यू फाइंड की थी, मैं यहां भी लिख देता हूं एक बार, H अपॉन में क्या होगा, V अपॉन में L स्क्वायर। और यहां अब H की वैल्यू पुट कर दो, 4L V अपॉन में L स्क्वायर। देखो L से L स्क्वायर है तो ये L कट जाएगा, तो V अपॉन L आएगा, क्या आएगा, 4 V अपॉन में L। ये है एरिया, और हमें एरिया कैसा प्रूफ करना है, इसमें इनर सरफेस इज मिनिमम, कैसी है, मिनिमम है इनर सरफेस जो एरिया है उसका मिनिमम प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ मिनिमम और मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए कौन कौन से वो प्रोसेस हैं वही करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन, फिर dx डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू में जीरो पुट किया, फिर डबल डिफरेंशिएशन किया, फिर जो वैल्यू आई थी उसको उस डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम है या मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, जो भी है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी ए अपॉन में एल के रेस्पेक्ट में होगा तो डी एल, इसका तो हो जाएगा 2L प्लस, देखो ये है 4V अपॉन में L, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर करके दिखा रहा हूं मैं, L स्क्वायर तो L स्क्वायर है, L को छोड़ा 4V का डिफरेंशिएशन किया, तो ये कैसा नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, कैसा है, कांस्टेंट, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आएगा माइनस, L का करेंगे तो कितना आएगा, वन, ठीक है, और 4V का 4V ही, तो ये बचेगा माइनस का 4V अपॉन में L स्क्वायर। तो देखो माइनस का 4V अपॉन में L स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस का 4V अपॉन में L स्क्वायर डिफरेंशिएशन करने पे। ये मैंने उधर लिख दिया है तो इसको हम इधर से भी मिटा देते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन करने के बाद आ गया, ठीक है, 2L माइनस 4V अपॉन में L स्क्वायर। अब इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं और L की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो 2L इक्वल्स, 2L है माइनस 4V अपॉन में L स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं इधर ले जाता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, L स्क्वायर को इधर लेता आता हूं तो 2L क्यू इक्वल्स टू में 4V। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी टाइम, 2V टाइम। तो जो L की वैल्यू है, देखो L क्यू की वैल्यू तो है 2V, तो L की वैल्यू क्या होगी, 2V की पावर 1/3। ये आ चुकी है किसकी वैल्यू, L की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास क्या आया था, ये आया था ना, तो इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर से।
तो देखो 2l का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एल स्क्वायर। 2l का डिफरेंशिएशन तो होगा 2। अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, माइनस 4v अपॉन में l स्क्वायर। ठीक है, तो देखो l स्क्वायर का स्क्वायर, तो l स्क्वायर को छोड़ा, 4v का डिफरेंशिएशन किया, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। माइनस 4v को छोड़ा, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा 2l, कितना आ जाएगा 2l। तो देखो ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस और ये माइनस प्लस, क्योंकि यहां पहले से ही माइनस है और एक माइनस यहां आ रहा है, तो देखो माइनस माइनस यहां तो आ जाएगा प्लस। 4 × 2 = 8, 8vl अपॉन में l 4, तो एक l से ये l कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा l क्यू, कितना आ जाएगा l क्यू, तो 8v अपॉन में l क्यू। ठीक है, ये आ चुका है डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना तो आप लोगों को आ ही गया होगा अच्छे से ना, उसमें कोई मिस्टेक मत करना। अब यहां हम किसकी l की वैल्यू पुट करते हैं, सेम प्रोसेस चल रहा है जैसे पहले कर रहे थे, तो l इक्वल्स टू है 2v की पावर 1/3, तो ये होगा 2 + 8v, l की पावर 1/3 और 2v की पावर 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल। वैसे भी देखो l क्यू की वैल्यू क्या है 2v, तो हम यहां क्या पुट करेंगे 2v। ठीक है, 2v से ये कैंसिल होगा कितनी बार, 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 6। कितना है 6, और ये क्या है ग्रेटर देन है 0। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ टैंक, इनर सरफेस एरिया ऑफ टैंक कैसा आ गया, इज पॉजिटिव है तो मिनिमम है, और यही हमें प्रूफ करना था। क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि इनर सरफेस एरिया कैसा है, मिनिमम है। एक चीज तो ये है, अब हमें फाइंड करना है रेशो किसका, इसकी लेंथ और हाइट का, यानी एच और एल का। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी वाली, ये वाली, कोई सी ले लो, चाहो तो इससे ले लो चाहो तो इससे, यही थी सबसे पहले वॉल्यूम और दोनों इसमें, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से v इक्वल्स टू है l स्क्वायर h, और h की वैल्यू है अपने पास v अपॉन में l स्क्वायर, यही है क्या इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट कौन सी माने हम, ये तो वॉल्यूम वाली है, सरफेस l स्क्वायर प्लस में 4lh यहां से लेते हैं। ठीक है, तो l स्क्वायर हमें देखो किस किस में फाइंड करनी है, ये देखो सबसे पहले तो कि हमें जो रेशो है वो किस किस में फाइंड करना है, वो करना है l और h में। तो l और h, तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास यही है, कौन सी, v इक्वल्स टू में l स्क्वायर और h, तो इसमें हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, किसकी, देखो v इक्वल्स टू में l स्क्वायर और h, ये है। ठीक है, तो L की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं, हम कहां है L की वैल्यू, ये रही। ठीक है, और H की वैल्यू ये रही, V अपॉन में L स्क्वायर और यहां है 2v की पावर 1/3, दोनों की दोनों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो किसी से भी कर सकते हो। तो देखो यहां से H की वैल्यू हमें इन दोनों में, किसमें, इसमें और इसमें रेशो फाइंड करना है, तो हमें इन दोनों को अलग अलग तरफ लिखना होगा, जैसे ये वाला था ना, इस
ऐसे एच को मैं इधर ले लेता हूँ, मतलब एल स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ, तो एच स्क्वायर एच इक्वल टू में क्या होगा, वी अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों में रेशो फाइंड करना है, एच में और एल में, इसलिए मुझे अलग अलग लिखने पड़ रहे हैं। तो देखो अच्छे से लिखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा चौक सही चल नहीं रहा। H इक्वस टू में V अपॉन में L स्क्वायर, इन दोनों में रेशो फाइंड करना है। तो देखो L स्क्वायर, L की वैल्यू क्या है, 2V, तो ये तो है V, और L स्क्वायर, L की वैल्यू तो है 2V की पावर 1 अपॉन 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2V की पावर 2 अपॉन 3, 2V की पावर 2 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो यहां तो है V और यहां है 2V, आ रही बात समझ में, तो इनकी अगर हम इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेशन, तो वो समझ में थोड़ी सी आएगी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मैं इसे भी 2V बना देता हूं, ताकि ये भी 2V, ये भी 2V, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 से डिवाइड भी देना होगा, तो इसलिए मैं 1 अपॉन 2 से क्या दे देता हूं, डिवाइड, ठीक है। अब इसकी पावर ये कहां जाएगी, यहां, तो h इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये देखो ऊपर जाएगी, तो 2v और 2v तो बेस तो है सेम, क्या है, सेम, तो यहां तो है 1 और ये है 2 अपॉन 3, यानी कि 1 माइनस 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3, तो 2v की पावर 1 अपॉन 3, आगे बात समझ में, हमें रेशो फाइंड करना है हाइट में, मतलब डेप्थ में और लेंथ में, तो इससे यही इक्वेशन फर्स्ट है, इसी से लेंगे, बस हमें एच को इधर लेके वी अपॉन एल स्क्वायर इसको सॉल्व करना। तो यहां एल की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, ये रही, 2v का स्क्वायर पुट किया, 2v का स्क्वायर, तो 2v की पावर 1 अपॉन 3, तो ये 2 अपॉन 3 हो जाएगा, बस हमें यहां 2v है, ऊपर भी 2v बनाना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, आगे समझ में। अब क्या किया है, इसको ऊपर ले गए और सॉल्व कर दिया। अब देखो 2v की पावर 1 अपॉन 3, 2v की पावर 1 अपॉन 3 किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है, तो H इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 में कितना आ गया, L आ गया। अब मैं L को H के नीचे भेज देता हूं, तो L अपॉन H कितना आ गया, 1 अपॉन में 2, तो हाइट रेशो लेंथ कितनी आ गई, 1:2, कितनी आ चुकी है, 1:2 आ चुकी है हाइट रेशो लेंथ, हाइट है 1 और लेंथ है 2, इनका रेशो है, ठीक है। तो इससे तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि क्या है, एरिया मिनिमम है, और इसमें हमने एल की वैल्यू पुट करके ये इनका रेशो फाइंड कर लिया है। तो ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर 38 कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 39 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, कौन सा है, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का 39। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट ए प्राइस
इफ रुपीज 5 माइनस एक्स अपॉन 100, यानी कि वन आइटम का क्या है, सेलिंग प्राइस है कितना, फाइव माइनस एक्स अपॉन हंड्रेड। ये क्या है, वन आइटम का सेलिंग प्राइस है। उसने बोला है कैन एक्स आइटम कैन ए प्राइस इफ रुपीज एक्स माइनस फाइव एक्स ईच, यानी वन आइटम, द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम इज रुपीज एक्स प्लस 500, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स आइटम ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। एक आइटम है ना, वो इतना तो उसका सेलिंग प्राइस है, और वन आइटम का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कॉस्ट प्राइस वो कितना है, कॉस्ट प्राइस वो है एक्स अपॉन फाइव प्लस में 100। ठीक है, ये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी इतने ही उसे मैन्युफैक्चर करने में व्यय हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, और इतने में वो उसे सेल कर रहा है, यानी ये तो है उसकी कॉस्ट प्राइस और ये है उसकी सेलिंग प्राइस। तो अब वो एक्स आइटम सेल करे, यानी कि ऐसे कितने आइटम सेल करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कैसा हो, मैक्सिमम, यानी कि जो एक्स आइटम वो सेल कर रहा है, हमें उन आइटम्स को बताने कि वो क्या है। तो देखो, वन आइटम का सेलिंग प्राइस ये है, तो एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है कितने का, एक्स आइटम का। अब हमें प्रॉफिट बताना है, तो देखो प्रॉफिट का क्या रूल होता है, प्रॉफिट जो होता है ना वो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस होता है। क्यों होता है, देखो आदमी को प्रॉफिट कब होता है, जब वो कोई चीज कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। ठीक है, अगर जैसे मैं कोई आइटम 200 रुपए में खरीदता हूं, ठीक है, और उसे मैं 250 में सेल कर देता हूं, तो उसकी सेलिंग प्राइस तो है 250 और कॉस्ट प्राइस है 200। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी 250 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 50 आएगा, और 50 मेरा क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। तो सेम ऐसे ही हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, कि हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, उसमें से माइनस करेंगे एक्स अपॉन 5, मैंने ब्रैकेट हटा रहा हूं सीधा ही, तो ये हो जाएगा माइनस 100। ये क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो वही प्रोसेस, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है इसका, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये तो हो जाएगा डी पी अपॉन में डी एक्स। देखो यहां से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 5x का, तो आएगा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 100। तो देखो 100 का स्क्वायर अपॉन 100 को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2x, माइनस किसको, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, 100 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 0। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, साइन माइनस था तो माइनस ही है। अब देखो 100 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2x अपॉन में 100, तो माइनस का माइनस 2x अपॉन में 100। सेम यहां, ये तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन किया, तो कितना आया 5,
यहां x को छोड़ा, उसका डिफरेंशिएशन किया जीरो, तो यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन में फाइव माइनस का वन अपॉन फाइव, और ये हो जाएगा जीरो, क्या हंड्रेड, ठीक है, हंड्रेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो। अब हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी इसका 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, ठीक है। अब मुझे इक्वल टू जीरो पुट करना है, 5 माइनस 2x अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू जीरो। तो देखो 2x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 2x को इधर ले लेता हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा, इन दोनों में एलसीएम आएगा कितना 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 1 यानी कि 24 अपॉन 5। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 ऊपर और x नीचे, ठीक है, सीधा मैं यहीं कर देता हूं, x इक्वल्स टू 100 अपॉन में 2, ठीक है, ये हो गया 25 और ये हो गया 12, तो x इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा 240। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 240, तो ये आप लोगों को दिख रहा है नीचे तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो दिख रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगेन डिफरेंशिएशन, किसका होगा डिफरेंशिएशन, इस नंबर का होगा, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, देखो 5 का 0, ठीक है, माइनस ये है 2x अपॉन में 100, तो देखो 2x अपॉन 100 का डिफरेंशिएशन ये होगा 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर है ना, तो अब 100 को छोड़ा 2x का डिफरेंशिएशन किया तो आएगा 2 माइनस 2x को छोड़ा 100 का होगा 0, तो ये तो हट गया कैंसिल, तो 100 से 100 ये आ गया 2 अपॉन में 50 और साइन है माइनस का तो माइनस का, माइनस के 2 अपॉन 50, फिर है 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो कुल मिला के डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना आया माइनस के 2 अपॉन में 50 विच इज नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और किस पर होगा, x की वैल्यू क्या है 240 पर, तो x इक्वल्स टू 240 पर क्या होगा प्रॉफिट मैक्सिमम। x तो है नहीं जो हम वैल्यू पुट करेंगे, है ना, यहां कहीं x है क्या, इसलिए हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा x इक्वल्स टू 240 पर प्रॉफिट क्या आ गया मैक्सिमम आ गया, क्योंकि ये कैसा संख्या है नेगेटिव है, कैसा है नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तब क्या आता है अपने पास मैक्सिमम आता है, क्या आता है मैक्सिमम, ये हम हर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं कि कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम, नेगेटिव पे होता है मैक्सिमम और पॉजिटिव पे होता है मिनिमम, तो हमें यही बताना था इसमें कि आइटम शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कितने आइटम सेल किए 240 आइटम सेल करने पर क्या आएगा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर 39 कंप्लीट, तो इसके क्वेश्चन करने की ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।